चोरी के 22 मोबाइल सहित 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। बीते दिनों रोडवेज बस अड्डे के पास में आकाश मोबाइल नाम की दुकान पर छत काट कर हुई लाखों की चोरी का अनावरण आज पुलिस ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक पूनम ने किया। उन्होंने बताया यह 10 दिसंबर में कोतवाली सदर में रोडवेज के पास एक मोबाइल की शॉप से मोबाइल चोरी हुए थे और कुछ एक्सेसरीज चोरी हुई थी। उसी के लिए अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई थी और इसमें बड़ी सफलता कल मिली है जब थाना नीम गांव में ये 3 अभियुक्त अमन मिश्रा, अनूप मिश्रा और रामनिवास पांडे ये लगभग 3 लाख से ज़्यादा के सामान के साथ, जिसमें मोबाइल हैं, 22 मोबाइल हैं, एक सैमसंग गैलेक्सी का टैब है और अन्य एसेसरीज हैं, पेन ड्राइव और जो यहाँ से चोरी हुए थे उसके साथ गिरफ्तार किए गए हैं। और इनका जो मुख्य सरगना है सतीश रस्तोगी है, ये इस सामान पे जो डिब्बा है उसी पर 50% में रेट लिख कर इसको आगे बेच देते थे। तो फिलहाल सतीश रस्तोगी की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य, इन्होंने क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है, वह सब इससे पूछताछ के बाद अनावरण हो पाएगा। फिलहाल 3 लाख से ज़्यादा का सामान इनके पास रिकवर किया गया है। टीम ने अनावरण किया उसे कुछ आपकी तरफ से प्रोत्साहन? अभी 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 उनको प्रोत्साहित किया गया है और मुख्य अभियुक्त को, और जब गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें जो घटना का पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें 8 से 10 लाख के लगभग सामान गया था, और जब पूरा काम टीम द्वारा कर लिया जाएगा तो उन्हें और पुरस्कृत किया जाएगा।